काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में आज स्थानीय अदालत सर्वे की नई तारीख का ऐलान कर सकती है। कल इस मसले पर हुई सुनवाई में सर्वे की तारीख तय नहीं हो पाई। कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता के मामले में दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस हुई। आज कोर्ट इस मामले में फैसला सुना सकता है। इस बीच मथुरा की ईदगाह में भी सर्वे की मांग की जा रही है। ताजमहल में 22 कमरों के मामले में 12 मई को अगली सुनवाई होगी। काशी में ज्ञानव्यापी पर गदर तो हो ही रहा था, मथुरा और आगरा में हलचल तेज हो गई। आज वाराणसी में श्रृंगार गौरी केस में सिविल जज की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता मामले पर दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस हुई। मुस्लिम पक्ष कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग पर अड़ा है, वहीं हिंदू पक्ष ने मस्जिद में सर्वे और वीडियोग्राफी कराने के लिए समक्ष अधिकारियों को आदेश देने की मांग की। कमिश्नर की तरफ से सुनवाई हो चुकी है, वकील कमिश्नर चेंज करने के बाबत सुनवाई हो चुकी है, लेकिन मात्र जो हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, बाजीगर द्वारा दिया गया है कि तहखाना खुलवाया जाए, ब्रैकेटिंग के अंदर घुसवाया जाए, यदि ताला बंद है तो ताला को तोड़वाया जाए और मेरी कमीशन गर्भगृह में ही कराया जाए, ब्रैकेटिंग के बाहर कराया जाए। इसके बाबत कोर्ट उनको आपत्ति उन्होंने देने के लिए समय मांगा है। वहीं इस पर सियासत भी चरम पर है। यूपी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और मेरठ के सरधना से पूर्व विधायक संगीत सोम का विवादित बयान सामने आया। सोम बोले, ज्ञानवापी का 2022 में 1992 जैसा हश्र होगा। जब अधिकारी कोर्ट के आदेश पर जो गए हैं, जब अंदर जाएंगे तो वो देखेंगे वहाँ तो स्वास्तिक बना हुआ है, वहाँ तो भगवान की मूर्ति लगी हुई है। आप जानते हैं कि जब बाहर लोगों को ये पता लगेगा तो क्या होगा, आप भी जानते हैं, जो 92 में हुआ वो 22 में होगा। उधर कृष्ण जन्मभूमि मामले में मथुरा कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। वादी महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट और केशव देव बनाम शाही मस्जिद ईदगाह केस में सुनवाई होनी थी। मथुरा में वादी पक्ष का दावा है कि मथुरा की ईदगाह मस्जिद में कमल के निशान हैं, ओम और स्वास्तिक के निशान भी हैं। इसके अलावा मस्जिद में हिंदू कलाकृतियां हैं। ईदगाह मस्जिद के विरोध में अब तक 10 केस दायर हैं, जिनमें से एक अहम केस 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर भी है, जिसमें से 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह के पास है। इन सभी मामलों में कोर्ट के फैसले का इंतजार है। हमारा कहना है कि जो मस्जिद परिसर है उसका वीडियोग्राफी कराई जाए, फोटोग्राफी कराई जाए और वहाँ एडवोकेट कमिश्नर जाए और एडवोकेट कमिश्नर मौके पर जाकर के पूरे तथ्यों का अवलोकन करे। वहाँ जो जो हिंदू चिन्ह है, कमल है, गदा है, संघ है, ओम है, स्वास्थ्य के चिन्ह है, उन सब का उसमें रिकॉर्ड आना चाहिए और हम चाहते हैं कि न्यायालय के सामने ये सभी तथ्य प्रस्तुत होने चाहिए और जैसा कि काशी के मामले हुआ उसी तर्ज पर यहाँ भी आदेश होना चाहिए, ऐसा हमने न्यायालय से निवेदन किया। उधर ताजमहल मामले में 12 मई को सुनवाई होगी। ताजमहल के 22 बंद कमरे खोले जाने, वीडियोग्राफी कराए जाने और कमेटी बनाकर हिंदू देवताओं से संबंधित साक्ष्यों की जांच करने के लिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर याचिका में कहा गया है कि ताजमहल के 22 कमरों में तेजो महालय के पुख्ता सबूत हैं। याचिका के मुताबिक वो सबूत हिंदू देवताओं की मूर्ति के रूप में हैं। फिलहाल उन 22 कमरों में किसी को जाने की इजाजत नहीं। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन सभी 22 कमरों को खोला जाए ताकि मंदिर या ईदगाह वाले विवाद का अंत हो। मुझे नहीं समझ में आता विरोध करने वाले क्यों विरोध कर रहे हैं। मैं सीधी सी बात एएसआई परीक्षण की बात कर रहा हूँ। एएसआई परीक्षण से आपत्ति किसको होनी चाहिए? आप ऐसा कौन सा सच है जो एएसआई की परीक्षण नहीं होने देना चाह रहे हैं? आप चोर की दाढ़ी में तिनका वाली स्थिति स्वयं क्यों क्रिएट कर रहे हैं विरोध करके? मुझे लगता है जो सभ्य समाज है, पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी थोड़ा विज्ञान को समझते हैं, जो भी थोड़ा चीजों को समझते हैं, एक बार मेरी याचिका पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि ये जो मांग है जेन्यून मांग है। मैं ये नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि शिव मंदिर घोषित है या शिव मंदिर कर दिया जाए। मैं ये नहीं क्लेम कर रहा हूँ उसको मकबरा कर दीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो 22 कमरे हैं उसको खोल दीजिए, उसका रहस्य सामने आ जाए। अब आपको बताते हैं कि ताजमहल के उन 22 कमरों की मिस्ट्री क्या है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ताजमहल के मुख्य मकबरे और चमेली फर्श के नीचे 22 कमरे बने हैं। ये वही 22 कमरे हैं जो आखिरी बार 1934 में खोले गए थे, यानी आजादी के पहले कमरों को खोला गया था और आजादी के बाद से लेकर अब तक 22 कमरों को खोला नहीं गया।
एक दावे के मुताबिक सभी 22 कमरे मुगल काल से बंद हैं। साल 1934 में भी इसको सिर्फ निरीक्षण के लिए खोला गया था, लेकिन रिकॉर्ड में इसका जिक्र नहीं है। तो सबसे पहली मांग हमारी है कि वो जो 20 से ज्यादा कमरे हैं उन कमरों को खोला जाए। दूसरा, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बने जो कि ये निर्धारित करे, जो तय करे, जो ये फाइंड आउट करे कि आखिर ये जो 22 कमरों का रहस्य क्या है और इस पूरे ताजमहल का रहस्य क्या है। आखिर ये वाकई में क्या राजा मानसिंह का पैलेस था, तेजो महालय था, वहाँ पे भगवान शिव की मूर्ति थी, उसको जो है शाहजहां ने टेक ओवर किया और वहाँ पे जो उनकी बेगम थी मुमताज 600 किलोमीटर दूर जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी वहाँ से ले आके उन्होंने वहाँ पे उनको दफनाया, या फिर ये वाकई में ताजमहल है। बहरहाल जिस तरह ऐतिहासिक धरोहरों और मंदिर मस्जिदों पर सियासी हलचल हो रही है वो फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही। वाराणसी से रोशन जायसवाल, आगरा से अरविंद शर्मा, मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।